दोस्तों BNB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलते हैं मुंबई के एक क्लब में, जहां पर हम आपको मिलवाएंगे महिमा चौधरी से। जी हां, महिमा चौधरी को आप जानते होंगे, जो प्रदेश में उन्हें देखा होगा, एक से एक हिट फिल्में देने वाली महिमा चौधरी आज पहुँची एक अवार्ड शो में। वाइट ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आपको बता दें कि भारत का नेतृत्व करने के लिए सेंट फ्रांसिस्को से ये आज आई है यहाँ पर। इन्होंने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया, आप पूरा वीडियो आखिर तक देखें कि किस तरह अपने देश की शान की बातें मीडिया के सामने इन्होंने बोली। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके। You know, इस बार जो मुझे सबसे कमाल की चीज लगी, जैसे मैं वहां पे, बहुत खूबसूरत परेड होता है क्योंकि 15 अगस्त ऑब्वियसली वहां पे छुट्टी नहीं है, तो या तो वो फॉलोइंग वीकेंड को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने 20 को सेलिब्रेट किया सैन फ्रांसिस्को में। और जब मैं वहां, बहुत लंबी परेड होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे बहुत सारे सरदार भाई भी है, तो जब मुझे तांबा दिखाया तो वो जो तांबा था उसमें मैं जाके बैठी अपने बाकी गेस्ट के साथ, और जो तांबे का जो ड्राइवर था वो एक गोरी लड़की थी, और उस घोड़े को जो चलाना था वो एक गोरा आदमी था। मैंने कहा हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कर ली, पहले ये लोग हमारे देश में तांबे में बैठते थे और हम लोग तांबे चलाते थे, अब हम इनके देश में बैठे हैं। हमने सारे पिक्चर्स में जाकर वाओ मिस्टर चेयरमैन, सो वी नाउ ऑफिशियली ओपन द फ्लोर विद माय माजी एंड ऑर्गेनाइजर्स। दोस्तों है ना कमाल का वाक्या जो महिमा चौधरी ने हमारे साथ शेयर किया, कि आज भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने देश के लिए करते हैं और देश के लिए जीते हैं। जब महिमा को लगा कि ये सब चीज़ें हैं तो क्यों न अपने दर्शकों, अपने फैंस के बीच में इसको रखा जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके।